दोस्तों, जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है वैसे वैसे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है ना। आप लोगों को लग रहा है कि चीजें हो नहीं पा रही हैं, सिलेबस नहीं हुआ है, मॉक टेस्ट नहीं हुआ है। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में चल रहे हैं। तो बच्चों, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, फोकस होके अपनी स्टडी करो। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे कि मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा, इसका क्या प्लान है? देखो, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, इसके लिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सिलेबस को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना होगा। या तो आप लोगों के पास में जो भी ऑप्शंस फिलहाल अवेलेबल है, मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपका सब कुछ काम हो जाएगा बढ़िया वाला, है ना। ऐसे ही मैं आपको एक सिस्टम बताऊंगा। अच्छा, इसको आप YT क्लासेस से अगर कर सकते हैं तो आप YT क्लास से कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप किसी एप्लीकेशन के बैच में हैं तो फटाफट रूप से अपने बचे हुए टाइम में पहले सिलेबस को कवर कर लीजिए। एटलीस्ट बहुत डीप नहीं जाना है, जस्ट कवर करना है कि हाँ मैंने ये टॉपिक पढ़ लिए, तो आप मॉक टेस्ट देने के लायक हो जाओगे, मॉक टेस्ट आप दे पाओगे। अब मॉक टेस्ट क्या है बच्चा, हम लोग सही तरीके से दे नहीं पाते हैं। मॉक टेस्ट देने का मतलब होता है आपके हिसाब से, कुछ बच्चों के हिसाब से, कि मैंने पेपर चालू किया, क्वेश्चन जो आते थे किए, नंबर ऐड हो गए, कितने हो गए, हाँ जी ठीक है, अगला मॉक टेस्ट। नहीं, मॉक टेस्ट अपने आप में एक अधूरा वर्ड है, इसको कंप्लीट किया जाता है एनालिसिस से। जो बच्चा मॉक देने के बाद अपना एनालिसिस नहीं कर रहा वो बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहा है। मान लो आपने क्वांट के क्वेश्चन आपको मिले, उसके अंदर 20 क्वेश्चन, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन मान लो आपको 20 मिले, इंग्लिश के क्वेश्चन मान लो आपको यहाँ पर 20 मिले, और GS कंप्यूटर वगैरह मान लो आपको 15 क्वेश्चन मिले। इस 20 में से आपके मान लो 13 क्वेश्चन सही हुए, तो जो सही हुए वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो 7 गलत हुए ना, आपको इस पे फोकस करना है कि ये कौन से टॉपिक के क्वेश्चन है जो गलत हुए हैं। अब मैं इन टॉपिक्स को देखूंगा, देन मैं अगले किसी भी मॉक में ये क्वेश्चन गलत नहीं करूंगा। सेम चीज आपको रीजनिंग में इंग्लिश में करनी है। मैंने आपको बताया था GS कंप्यूटर वगैरह को आप अभी मॉक में शामिल ना करें, उनकी आप अलग से प्रिपरेशन करें, उनका आप बल्क में रिवीजन करें। तो आप लोग जब अपने एक एक टॉपिक के ऊपर काम करना शुरू करोगे, चाहे आप मॉक टेस्ट कम दे दो, लेकिन एनालिसिस के बगैर आप लोग मॉक टेस्ट ना दीजिए। अब दूसरी चीज ये है कि मॉक टेस्ट दे तब पाएंगे जब हमें कुछ आता होगा, बात सही है कि नहीं? जब सिलेबस ही हमारा नहीं हुआ होगा तो हम मॉक टेस्ट कैसे देंगे? तो जिस बच्चे ने भी अपना सिलेबस पूरा कर लिया है या 50-60% सिलेबस हो गया है, वो मॉक देना शुरू कर दे। और जिसने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है बच्चा, अब ये समय आ चुका है कि आप लोगों को एक दिन के अंदर मिनिमम एक एक टॉपिक सबका आपको करना ही करना है। तो इस तरह से आप लोग बहुत डीप ना जाकर हर टॉपिक पे रीजनिंग के अंदर आप 20-30 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, तब भी आपका लास्ट टाइम में अच्छा रिवीजन हो जाएगा और आप लोग बढ़िया तरीके से कर पाओगे। अगर आप लोग थोड़ी सी हिम्मत कर लो तो मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों के लिए अभी लास्ट टाइम के लिए एक सबसे बेस्ट जो आपके पास में बैच इस टाइम के हिसाब से अवेलेबल है, आपको बुक्स वगैरह अलग से नहीं लेनी है, कुछ भी आपको अलग से नहीं लेना है बच्चों, आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रथम बैच जो है ना आप लोगों का अब लाइव हो चुका है, और इसका जो प्राइस है 20,000। क्या हुआ सर, इतना ज्यादा प्राइस कैसे हो गया? घबराइए मत, अभी आप लोगों का आज 31 जनवरी को अगर आप लास्ट तक रात तक इस बैच को ले लेते हो तो आपको 80% का यहां पर डिस्काउंट मिलता है, यानी कि मात्र और मात्र 4,000 रुपीज में आप PGLLB की तैयारी कंप्लीट कर सकते हो, अच्छे से रिविजन कर सकते हो। यहाँ पे आपको DPPs मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारी की सारी सब्जेक्ट की आप लोगों को यहाँ पे क्लास नोट्स जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे, जो आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी उसके आपको नोट्स मिल जाएंगे, DPPs मिल जाएंगे, लाइव सेशन डाउट सेशन हो जाएंगे, तो सारी चीजें बढ़िया है। और इसके लिए आप लोगों की जो बुक की किट है वो भी अवेलेबल हो चुकी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा आप कैसे ले सकते हैं। बुक, टेस्ट सीरीज और बैच, अगर इन तीनों चीजों का संगम हो जाए तो आपका सिलेक्शन होना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, आप बहुत आराम से अपने सिलेक्शन के करीब पहुंच सकते हो उस कंडीशन में, ठीक है ना। तो आप लोगों को जो मॉक टेस्ट देने हैं उसको स्टार्ट करने का तरीका ये है, सबसे पहले अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तो आप पूरा मॉक टेस्ट ना दीजिए, सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए। आप क्वांट के 5 मॉक टेस्ट लगाइए, सेक्शनल वाले जो टेस्ट है वो भी अवेलेबल है आपके पास में, जब आप इसको परचेज करेंगे टेस्ट सीरीज को, तो वहां पे आपका सेक्शनल वाले भी आपको मिल जाता है, अलग से आपके लिए अवेलेबल है, और आपको जो फुल लेंथ मॉक है वो भी मिल जाता है। तो आप सेक्शनल लगाएं क्वांट के 5, रीजनिंग के 5, इंग्लिश के 5, इसके बाद आपको कंबाइंड लगाने हैं। जब आप 5-5 सबके लगा लेना या 4-4, 5-5, तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है। फिर उसके बाद में आप लोगों को हर 5-6 टेस्ट के बाद में एक सेक्शनल, एक दिन आपको सेक्शनल लगाने, सिर्फ 2 क्वांट 2 रीजनिंग 2 इंग्लिश, इस तरह से, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देने का मजा तब आता है जब आप लोग एक एक सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बना के चले, और कमांड बनाने के लिए ही ये मॉक टेस्ट दिया जाता है।
ठीक है ना। तो इस तरह से इसको स्टार्ट करना है, एनालिसिस जरूर करना है, जो टॉपिक कमजोर है उनको दोबारा करें, सही मॉक टेस्ट दें जो आप लोगों को अड्डा 247 पर अवेलेबल कराए जा रहे हैं लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, जो आपके 75 क्वेश्चन वाला है। तो इसको सभी लोग कर लेना, और ये आपका जो बैच है प्रथम, जितना हो सकता है फटाफट से इसको आप लोग एनरोल कर लो। जिसने कोई भी ज्वाइन नहीं किया ना बैच, उसके लिए लास्ट टाइम में सबसे बेस्ट है आपका सिलेबस रिविजन के लिए, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेल करके मेरी राय ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो। मेल आईडी amit.sharma@adda247.com, ठीक है ना बच्चा। तो यहाँ पे आपको कुछ पूछना हो बैच के बारे में, बैच लेने से रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड, जो भी आपको जानकारी लेनी हो ले सकते हो। और कोई आपके मन में विचार आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता दो, या फिर मेल करके पर्सनली बता सकते हो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।